लेट मी शो यू सम एग्जांपल्स. एक है ट्रांसॉइड सिस्टम और एक है सिसॉइड सिस्टम. तो ट्रांसॉइड की जो बेस वैल्यू है वो हम ऑलरेडी देख चुके हैं, वो कितनी है 214 नैनोमीटर है, और सिसॉइड की कितनी है 253 नैनोमीटर है, या होमो एनुलर की 253 है और हेट्रो एनुलर की 214 नैनोमीटर है. हमारे पास एक ओपन चेन सिस्टम है ये एस्ट्रॉन्स. इसमें आप देखें तो चार पी ऑर्बिटल्स है, और जब चार पी ऑर्बिटल्स आपस में कंबाइन होंगे और कॉन्जुगेशन होगी तो चार मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनेंगे, दो बॉन्डिंग होंगे, दो एंटी बॉन्डिंग होंगे. तो ये बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है साई वन और साई टू, और ये एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स हैं. टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, पाई इलेक्ट्रॉन्स जो कि कॉन्जुगेटेड सिस्टम का हिस्सा हैं, तो चार हैं. नीचे से फिलिंग स्टार्ट करें तो साई वन में दो, साई टू में दो. अब ये आपके पास होमो है, साई टू इज द होमो एंड साई थ्री इज द लोमो. तो होमो से लोमो जो ट्रांजिशन होगी दैट विल रिक्वायर एन रेडिएशन ऑफ अबाउट 230 नैनोमीटर्स. जबकि एस सिस में देखें अगेन वी हैव द सेम फोर ऑर्बिटल्स, टू बॉन्डिंग, टू एंटी बॉन्डिंग, और चार इलेक्ट्रॉन्स हैं. तो यहाँ जो होमो है वहाँ से लोमो में ट्रांजिशन के लिए जो वेवलेंथ रिक्वायर्ड होगी दैट इज 270. इसका मतलब एनर्जी कैप इसमें कम है तो लॉन्गर वेवलेंथ रेडिएशन. इसीलिए जो एम्पेरिकल रूल्स हैं उसमें इसकी जो बेस वैल्यू है वो भी ज्यादा है. सो वी हैव एन एग्जाम्पल हेयर, और ये भी जो मैंने आपको एग्जाम्पल दी तकरीबन उसी तरह से है कि आपके पास दो रिंग्स हैं और उसमें दो डबल बॉन्ड्स हैं. तो ये जो दो डबल बॉन्ड्स हैं ये आपके पास कॉन्जुगेटेड सिस्टम का हिस्सा है, ठीक है. तो इसके लिए हम बेस वैल्यू जो है वो क्या लिखेंगे, इसमें देखिए होमो एनुलर के लिए 253 है, तो यहाँ लिखें 253, ठीक है. फिर हम इंक्रीमेंट्स ऐड करेंगे, तो इंक्रीमेंट्स अल्काइल ग्रुप्स या रिंग रेजिड्यूज के लिए कितना ऐड करेंगे, 5 फॉर ईच. इसमें कोई अल्काइल ग्रुप्स अटैच नहीं है बट रिंग रेजिड्यूज तो हैं. तो एक ये है 1, 2, 3 एंड दिस वन हैज 1, 4, तो चार ऐड करेंगे. चार के लिए हम 20 ऐड करेंगे, तो 20 फॉर द रिंग रेजिड्यूज. एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड है या नहीं है, एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड देखें कितने हैं, दो हैं, ठीक है. एक आपके पास ऊपर वाला जो है ये एक्सोसाइक्लिक है इस लेफ्ट वाली रिंग के साथ, बिकॉज वन ऑफ द कार्बन इज पार्ट ऑफ दिस रिंग, द अदर इज आउट. और ये जो है ये भी इस रिंग के साथ एक्सोसाइक्लिक है. तो एक के लिए 5, दो के लिए 10 ऐड करेंगे. We do not have any polar groups or other substituents or alkyl groups. So, यही सारा इसका इसकी values हैं. अब इनको plus करें. So, this is equal to 382. So, this is equal to 283 nanometer. So, for a homoannular system like this, the lambda max value is equal to 283 nanometers according to Woodward-Fieser rules. Right? ये predicted value है, calculated value है, और ये जो आपको 273 nanometer नजर आ रही है, this is the experimental value. तो experimental value और predicted value में थोड़ा सा फर्क हो भी सकता है, exactly जरूरी नहीं है कि similar हो, ठीक है. अब आ जाएं hetero annular पे. तो hetero annular diene system जो है, उसकी base value कितनी है, 214 nanometers है, तो आप base value लिखेंगे 214 nanometers. फिर हम देखेंगे कि अल्काइल ग्रुप्स या रिंग रेजिड्यूज हैं या नहीं है. तो अल्काइल ग्रुप्स तो नहीं है, रिंग रेजिड्यूज हो सकते हैं. इस कार्बन के साथ देखें, ये वाला कार्बन अटैच है, इस कार्बन के साथ ये वाला CH अटैच है, और इस कार्बन के साथ ये CH अटैच है. तो एक्चुअली वी हैव 3 रिंग रेजिड्यूज, 1, 2 एंड 3. ये जो बीच में आपको सिंगल बॉन्ड नजर आ रहा है इसको आप नहीं लेंगे, क्योंकि ये तो sp2 कार्बन है एंड इट्स पार्ट ऑफ द कॉन्जुगेटेड सिस्टम, जो कि यहां से स्टार्ट होता है इस कार्बन से और यहां पर एंड होता है. तो आप पहले तो ये आइडेंटिफाई करें कि आपका सिस्टम कहां से स्टार्ट हो रहा है, कहां एंड हो रहा है. आपका सिस्टम यहां से स्टार्ट हो रहा है, यहां एंड हो रहा है. इसमें टोटल कितने कार्बन है, 1, 2, 3, 4. इन 4 कार्बन के साथ डायरेक्टली क्या क्या चीजें अटैच है उसके इंक्रीमेंट्स आप ऐड करेंगे.
So we have three ring residues. For each we add 5. The total up is 15 add karenge. Exocyclic double bond dekhe. Exocyclic double bond hai ya nahi. So is double bond ko agar hum consider kare, this is exocyclic to the left ring. क्योंकि इसका एक कार्बन रिंग का हिस्सा है और एक कार्बन रिंग के बाहर है. सो एक एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड यहाँ पर है. ये जो डबल बॉन्ड है इट्स नॉट एक्सोसाइक्लिक टू एनी ऑफ द रिंग. ऑल्दो ये राइट वाली रिंग के बाहर है लेकिन इसका कोई भी कार्बन रिंग के साथ कॉमन नहीं है. ठीक है, सो दिस इज नॉट एन एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड. सिर्फ ये जो है एक्सोसाइक्लिक है, इसके लिए हम 5 ऐड करेंगे. ठीक है, तो अब आप देखें 5 × 5 = 10 और 4 14 3 and 2. This is exactly equal to the experimental value. So, थोड़ा सा फर्क भी हो सकता है, exactly similar भी हो सकते हैं. So, इस तरह से आप इसकी values निकालेंगे. अगर आपके पास open chain हो तो open chain में जैसे मैंने आपको example दी कि 4 carbons involved हैं. So, base value is 214. Observed value या experimental value is 217. इसके साथ कोई alkyl groups attached नहीं है, so nothing is added. सिर्फ base value ही इसकी lambda max value होगी. लेकिन यहाँ पर हम देखें तो हमारे पास दो double bonds हैं, conjugated हैं और इसके साथ alkyl groups भी attached हैं. So we have 3 alkyl groups here. और हर एक के लिए हम चूंकि 5 add करेंगे, तो we add 15. Total is equal to 229. Observed value ya experimental value is 228 nanometers. Right? Ab aa jaye in rings pe. So we have a transoid system. Ye jo aapko zigzag line nazar aa rahi hai, iska matlab hai ki iske aage aur bhi rings hain. Theek hai, yahan aur bhi rings ya kuch bhi ho sakta hai, but we are not concerned with that. Aur ye hi buri baat hai UV ki ke aage pata nahi kya hai. We are not concerned with that. वो क्यों? वो इसलिए कि यहां जो भी है यूवी आपको उसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं दे रहा. यूवी आपको सिर्फ यहां पर जो कॉन्जुगेटेड सिस्टम है उसके बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है. तो यूवी इसीलिए लीस्ट एप्लीकेबल है स्ट्रक्चरल एलुसिनेशन के लिए कि ये आपको पूरे मॉलिक्यूल का नक्शा भी नहीं बता सकता इसमें है क्या क्या. इसलिए ये एक पार्ट के बारे में बता सकता है. अब इसका लैम्डा मैक्स 235 है तो सिंपली आप प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि इसमें होमो एनुलर सिस्टम होगा या हेट्रो एनुलर होगा, डाइन होगा या क्या होगा, ये आप प्रेडिक्ट कर सकते हैं. हाँ, लेकिन ये तो इस पार्ट के लिए आप प्रेडिक्ट करें, आगे क्या है वो आपको कोई इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगी. सो इट्स अ ट्रांसॉइड सिस्टम, हेट्रो एनुलर सिस्टम. 214 इज द बेस्ट बेस वैल्यू. रिंग रेजिड्यूज कितने हैं अभी मैंने आपको करके दिखाया, 1, 2, 3. तीन रिंग रेजिड्यूज हैं तो 15 इसके लिए आप ऐड करेंगे. एक्सोसाइक्लिक, दिस वन इज एक्सोसाइक्लिक, तो ये आपको 234. ऑब्जर्व्ड वैल्यू इज 235 नैनोमीटर. यहां पर आ जाएं, अगेन इट्स अ ट्रांसॉइड डबल बॉन्ड. तो ट्रांसॉइड में अगेन 214 नैनोमीटर आप बेस वैल्यू लगाएंगे. रिंग रेजिड्यूज कितने हैं यहां पर? रिंग रेजिड्यूज जो हैं इसमें 3 है. 1, ये जो बोल्ड आपको नजर आ रहे हैं, दीज आर द रिंग रेजिड्यूज. तो 3 आपके पास, एक ये है, एक ये है और एक ये है. 3 रिंग रेजिड्यूज हैं तो उसके लिए 15 ऐड करेंगे. एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड, क्योंकि डबल बॉन्ड की पोजीशंस वही हैं, तो एक ही एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड है, उसके लिए हम 5 ऐड करेंगे. फिर एक और ग्रुप यहाँ पर अटैच है, दिस इज एन OR ग्रुप. और OR ग्रुप के लिए अगर हम पीछे जाएं और आप देखें तो OR के लिए हम 6 ऐड करते हैं. ठीक है, तो ये OR जो है ये भी किसी एक ऐसे कार्बन के साथ अटैच है जो कॉन्जुगेटेड सिस्टम का हिस्सा है. यहाँ अटैच होता तो कोई फर्क ना पड़ता, लेकिन अब ये इन 4 कार्बन में से एक पे अटैच है, इसलिए 6 ऐड करेंगे. टोटल इज 240 और दिस इज द कैलकुलेटेड वैल्यू. जो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है दैट इज 241 नैनोमीटर्स. राइट, सो दिस वाज सम ऑफ द एग्जांपल्स. ओके, थैंक यू सो मच.